हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम NTFS और FAT32 के बीच में क्या डिफरेंस है इसके बारे में जानेंगे। फाइल सिस्टम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी हेल्प से कंप्यूटर या ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क पर डेटा को ऑर्गेनाइज करता है। अगर आप हार्ड डिस्क ड्राइव इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको इस पर पार्टीशन क्रिएट करना होगा और इसे फॉर्मेट करना होगा। विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आपको यूजुअली इसके दो ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, एक है फैट और दूसरा है NTFS। फाइल एलोकेशन टेबल या फैट को बिल गेट्स और मार्क मैकडोनल्ड ने 1977 में बनाया था। तब से अब तक इसमें बहुत से चेंजेस आए हैं। जब तक 4GB की हार्ड डिस्क पॉपुलर थी तब तक फैट 16 पॉपुलर रहा और इसके बाद फैट 32 आया। फैट 32 में 32 का मतलब है कि डेटा 32 बिट के चंक्स में सेव होता है। NTFS या न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट और IBM ने मिलकर बनाया था। ये विंडोज NT प्लेटफॉर्म में 1993 में इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद से विंडोज बेस्ड सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स में या विंडोज XP और उसके बाद के ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ये कॉमनली देखने को मिलता है। चलिए इन दोनों के बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं और इनके बीच में क्या डिफरेंस है ये भी जानते हैं। FAT32 में फाइल का साइज अधिक से अधिक 4GB-2 bytes का हो सकता है या अप्रोक्सीमेटली 4GB साइज की फाइल आप क्रिएट कर सकते हैं, जबकि NTFS में आप 244 bytes की या फिर 16TB-64KB साइज की फाइल क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि NTFS में फाइल का मैक्सिमम साइज लगभग 16TB का होता है। FAT32 सिस्टम लेस फॉल्ट टॉलरेंट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल एलोकेशन टेबल की दो कॉपीज को मेंटेन करता है और अगर किसी कारण से, जैसे कि पावर फेलियर के केस में, फैट करप्ट हो जाए तो बैकअप से इसे रिस्टोर किया जा सकता है, जबकि NTFS फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करता है और ये डिस्क पे होने वाले चेंजेस के लॉक को मेंटेन करता है और किसी करप्शन के केस में, जैसे कि अगर सडनली पावर फेलियर हो जाए तो NTFS ऑटो रिपेयर से फाइल सिस्टम को रिपेयर करने की कोशिश करता है और वो भी बैकग्राउंड में, जिससे कि यूजर्स को ज्यादातर केसेस में ये पता ही नहीं चलता कि ये ऑटो रिपेयर फीचर NTFS को रिपेयर कर रही है या नहीं। इसके अलावा FAT32 सिस्टम कम सिक्योर है। इसमें सिक्योरिटी केवल शेयर परमिशन से मिलती है, जिससे कि नेटवर्क से तो आपका सिस्टम सिक्योर होता है, यानी कि आपके सिस्टम के ऊपर रखा हुआ डेटा परमिशंस के हिसाब से ही एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन लोकली ऐसा नहीं होता है और जो इंडिविजुअल आपके सिस्टम को एक्सेस कर रहा होगा वो इस पर रखी हुई सभी फाइल्स और फोल्डर्स को किसी भी तरीके से यूज कर सकता है। जबकि NTFS बहुत ही सिक्योर सिस्टम है जिसमें फाइल परमिशंस की हेल्प से आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि कौन से यूजर्स लोकल रखी हुई फाइल्स और फोल्डर्स को किस हद तक एक्सेस कर सकते हैं। NTFS लोकली और नेटवर्क दोनों पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। FAT32 में कोई भी कंप्रेशन की फीचर नहीं है, यानी कि इसमें आप डेटा को कंप्रेस करके स्पेस को सेव नहीं कर सकते, जबकि NTFS कंप्रेशन की फीचर प्रोवाइड करता है। तो ये भी एक डिफरेंस है FAT32 और NTFS में। इसके अलावा आप अपने FAT32 सिस्टम को कभी भी NTFS में कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि NTFS को आप FAT32 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। NTFS और FAT32 में से आप अपनी जरूरत के हिसाब से फाइल सिस्टम को चूज कर सकते हैं। जहां FAT32 एक सिंपल फाइल सिस्टम है और इसकी सिंप्लिसिटी की वजह से ही ये मेमोरी कार्ड्स, USB पेन ड्राइव्स, MP3 प्लेयर्स या फ्लैश ड्राइव्स जैसे स्टोरेज मीडियम्स में पॉपुलर है, लेकिन अगर आपको सिक्योरिटी और कंप्रेशन जैसी फीचर्स चाहिए तो उस केस में आपको NTFS चूज करना होगा। क्वेश्चन टाइम। चलिए आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा फाइल सिस्टम कंप्रेशन की फीचर प्रोवाइड करता है। आपकी ऑप्शंस हैं ए NTFS, बी FAT32 या फिर सी FAT16। आप इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट्स में जरूर टाइप करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें। नए और लेटेस्ट वीडियोस की इन्फॉर्मेशन अपने मेल बॉक्स में पाने के लिए चैनल पे सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि NTFS और FAT32 के बीच में क्या डिफरेंस है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।